हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, गेल इंडिया। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत बड़ी नेचुरल गैस की कंपनी, जहाँ पे है। आप देखोगे ये शेयर जो 300 के आसपास ट्रेड किया करता था, और अब मात्र 147 रुपये में, यानी कि 147 रुपीज़ में। आप कहोगे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यही सच्चाई है। इसके पीछे भी कारण है, वो आप लोग शायद जानते होंगे। तो गेल इंडिया का शेयर इतने निचले स्तर पे पहुंच गया है, और साथ में काफ़ी मतलब सपोर्ट लेवल, काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच चुका है। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या ये टेक्निकल है, इसके क्या फंडामेंटल है, क्या कारण है गेल के नीचे पहुँचने का। इस छोटे से वीडियो में स्टार्ट करता हूँ मैं गेल के। देखें 147 रुपीज, मतलब लगातार 2-2.5% की कल भी गिरावट रही इसमें, और ओवरऑल अगर आप देखोगे बिल्कुल निचले स्तर पे पहुंच चुका है। अब ये देखिए टेक्निकल, टेक्निकल में अगर आप देखोगे ये शेयर, अब आप सोचोगे यार ये तो पहले तो बहुत ज़्यादा ऊपर था, यहाँ पे तो आपको हाई 200 ही दिखा रहा है, बस ऐसा कैसे हो गया। तो इसका कारण है, ये देखिए इसका कारण है ये 1:1 का बोनस, जिसकी 10 जुलाई यानी कि आज की डेट इसकी रिकॉर्ड डेट थी। कल इसका एक्स क्या था, एक्स बोनस डेट। अब आज अगर आपने होल्ड किया है तो रिकॉर्ड डेट आज आपको इसका नाम रजिस्टर में देखने को मिलेगा। अगर आपके नाम पे बोनस शेयर एलोकेट होना है तो होगा, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको 10-15 दिन में बोनस मिलेगा। फिलहाल शेयर ने गोते लगाए हैं, और ये गोते लगाने के बाद कहाँ अपने, देखिए प्रायर रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास है, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट आती है तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। फिर ये जो ऊपर का सपोर्ट लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। तो अभी मैं कहूँगा, अगर आप इसमें ये बड़ी रेड कैंडल तो देखने को मिल रही है, बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुका है ये शेयर, बिल्कुल निचले स्तर पे। और अब काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ से अगर मैं देखें बिल्कुल निचला स्तर, ये देखिए पिछली बार जब इसमें ज़बरदस्त गिरावट आई थी तब इसी लेवल पे गया था, थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करी है सपोर्ट को। आने वाले कुछ दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस शेयर में, कि यहाँ से बाउंस बैक होता है या अपसाइड मूवमेंट होता है। ऑल्दो ये बहुत ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, और सबसे ज़्यादा गिरावट अभी 4 जून से इसमें लगातार चले जा रही है, देखिए बिल्कुल निचले स्तर पर। और इतना भारी भरकम शेयर है, और आज से नहीं, ये शेयर देखिए जो इसका पुराना यह सितंबर 2017 यानी कि 2 साल बाद उसी रेंज में ये आ चुका है, 2019 ये है। पहले इसने अप डाउन यहीं पे दिखाया, जो हाईएस्ट रेंज इसकी थी 194 के आसपास की थी, क्योंकि ये प्राइस एडजस्ट हो चुका है। अब ये नया प्राइसिंग है, ये एडजस्ट हो चुका है प्राइस, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये नया प्राइसिंग है, अब इस नए प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अब देखा जाएगा कि हाँ भाई ये शेयर कहाँ आपको सपोर्ट दिख रहा है। तो मुझे तो सपोर्ट इस रेंज पे दिख रहा है, और अगर मैं कहूँगा और करेक्शन आती है तो थोड़ा सा इसको जो 130 के लेवल पे एक थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे और देखने को मिल रहा है। अब गेल की जैसा कि मैं बात कर रहा था, बोनस की 1:1 का बोनस जरूर मिला है, लेकिन गेल के फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो डेट कंपनी पे बहुत कम है, 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, प्राइस 147 के आसपास है, पी रेशियो 10 का है, मतलब हर 10 रुपये पे 1 रुपये कमाता है। रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे कमी देखने को मिली है सेल्स में। इंट्रिंजिक वैल्यू देखा जाए तो 8 गुना है, 814 की इंट्रिंजिक वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है, रिजल्ट जरूर देखने वाली बात है। तो देखिए रिजल्ट में थोड़ा सा फ्लैटिश नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए 1600 करोड़ का प्रॉफिट जहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में था, इस बार मार्च क्वार्टर में 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले 1900 करोड़ का प्रॉफिट था, यही कारण है गिरावट का। और साथ में अगर आप देखें प्रॉफिट ईयर वाइज देखें तो बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ईयर वाइज तो। अब लेकिन यहाँ पे गेल तो आपने ये देख लिया, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया डिविडेंड भी देता है, देखिए हर साल बेहतरीन डिविडेंड देता है, और 2 बार साल में डिविडेंड देता है ये, देखिए एक बार 6-6.5 रुपये, एक बार मतलब 8-10 रुपये का डिविडेंड दे दिया करता है। अब ये डिविडेंड में हाफ हो जाएगा, क्योंकि बोनस के बाद शेयर हाफ हो चुका है 1:1 के बोनस के बाद। प्रोमोटर गवर्नमेंट की कंपनी है, 56% गवर्नमेंट की होल्डिंग है, और बड़े प्रोमोटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जबरदस्त शेयर्स हैं इसके पास, कितने हैं, 5,44,00,000 शेयर्स। LIC 10 करोड़ शेयर्स LIC के पास हैं। मैथ्यूज पैसिफिक टाइगर फंड देखिए 2,50,00,000 शेयर्स हैं। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड 6,40,00,000 शेयर्स आसपास। ONGC के पास 10,90,00,000 के आसपास ONGC के पास शेयर है। तो ये बड़े बड़े शेयर होल्डर यहाँ पे हैं। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। फिलहाल आपने देखा कि गेल का शेयर काफ़ी निचले स्तर पे है, और ये प्राइसिंग जो इतनी आपको 300 से सीधे 150 के आसपास दिख रही है, इसका रीजन सिर्फ एक है, बोनस। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।